हेलो, आज हम एक ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आप स्क्वायर रूट वैल्यूज जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल एंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल होगा। सो विल स्टार्ट विद द ट्रिक। उसके लिए पहले हम 1 to 9 का स्क्वायर्स लिखेंगे, लाइक 1 square 1। सो दिस इज़ अ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 9। नाउ इनके जो स्क्वायर्स वैल्यूज है, उनके जो यूनिट प्लेस वैल्यू है, दे आर गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हाइल फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट्स। नाउ अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर इज 1, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के यूनिट प्लेस वैल्यूज क्या है? 1। लाइक 4 square 16, 6 square 36। अगेन इसके यूनिट प्लेस में 6 है, इसके यूनिट प्लेस में भी 6 है, लाइक 4 और 6 का है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 9 है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज़ करेंगे वाइल फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 841, फॉर एग्जांपल 841, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। सो कैसे हम प्रोसीड करेंगे? पहले हम ग्रुपिंग करेंगे यूनिट प्लेस वैल्यू से, दो दो का ग्रुपिंग करेंगे। सो हमने ग्रुपिंग कर दिया। नाउ अभी इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 1। सो अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे किसका स्क्वायर वैल्यू है, किसका स्क्वायर वैल्यू में लास्ट में 1 आता है। तो 1 एंड 9, इन दोनों के स्क्वायर वैल्यूज में लास्ट में 1 आ रहा है। तो अगर कोई भी वैल्यूज जो है उसका अगर स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं और उसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे आइदर इट विल बी 1, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 9। तो अगर हम ये वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में 1 है, तो इसका यूनिट प्लेस में आइदर 1 आएगा या तो 9 आएगा। सो अभी देखो यूनिट प्लेस वैल्यू आइदर इट विल बी 1 और 9। सो यूनिट प्लेस में 1 होगा या तो 9 होगा। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट टेंथ प्लेस। अभी यूनिट प्लेस हमारा कन्फर्म नहीं हुआ, हम अभी टेंथ प्लेस में जाएंगे, पहले टेंथ प्लेस हम कन्फर्म करते हैं। नाउ टेंथ प्लेस वैल्यू जो होगा ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। सो अभी देखो 8, अभी हम यहाँ पर टेबल में ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, जो 8 से जस्ट छोटा है। फॉर एग्जांपल 4 जस्ट 8 से छोटा है। नेक्स्ट वैल्यू जो है 9, इट इज़ ग्रेटर देन 8, सो 9 ले लेंगे हम, 4 लेंगे। नाउ 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सो इसका जो आंसर होगा उसका टेंथ प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2। दिस इज कन्फर्म, ये कन्फर्म है। नाउ अभी हमको इसमें डिसाइड करना है 1 होगा कि 9 होगा। नाउ अभी टेंथ प्लेस में हमने क्या लिया? 2। तो 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आता है? 3। सो 2 × 3 = 6। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा उसको और ये वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, 8 और 6। नाउ 8 क्या है? 6 से ग्रेटर है। तो हम इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर होगा? तो कौन सा ग्रेटर है? 9। सो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 29। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 841 विल बी इक्वल्स टू 29। समझा? सो नाउ विल टेक अनदर एग्जांपल जिसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसा सॉल्व करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम एक दूसरा वैल्यू लेते हैं 1156। अगेन विल प्रोसीड विद सेम, दो दो का ग्रुपिंग करेंगे यूनिट प्लेस से। सो ये दो का ग्रुपिंग, ये दो का। सो नाउ अगेन हमने जब ग्रुपिंग किया, अभी देखो इसके यूनिट प्लेस वैल्यू में क्या है? 6। अगेन विल कम हियर, देखो 6 किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है स्क्वायर वैल्यूज में? 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? आइदर इट विल बी 4 या तो 6 आएगा। तो यूनिट प्लेस क्या होगा? आइदर 4 होगा या तो 6 होगा। नाउ विल गो फॉर टेंथ प्लेस। अभी इसको डिसाइड करना, हम पहले टेंथ प्लेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टेंथ प्लेस। सो नाउ अभी 11, अगेन सेम 11, हम ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो स्क्वायर वैल्यू जो है वो जस्ट 11 से छोटा है। सो नाउ लाइक
9 and next value is 16. 16 is greater, so we'll take 9. Now 9 किसका square है? 3 का. तो इसका 10th place value क्या होगा? It will be 3. So now अभी हमको decide करना है 4 होगा कि 6 होगा. 10th place तो confirm हो गया. Now 4 होगा कि 6 होगा. Again क्या करेंगे हम? 10th place में हमने 3 लिया. उसका next value क्या है? 4. So 3 into 4. Now 3 into 4 is 12. 3 into 4 is 12. Now हमने क्या किया था? ये वैल्यू और इसको हमने कंपेयर किया था. सो हम कंपेयर नाउ 11 जो है वो 12 से क्या है? स्मॉलर है. स्मॉलर. सो अभी क्या करेंगे? हमको दो वैल्यू जो है उसमें कौन सा वैल्यू लेंगे जो स्मॉलर होगा. तो स्मॉलर इज 4. सो इसका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 34. इट विल बी 34. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1156 विल बी इक्वल्स टू 34. समझा? होप यू अंडरस्टूड द टेक्निक. वेरी इजी टेक्निक. आप दो तीन एग्जांपल्स लेके सॉल्व करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा एंड आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा. सो होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.